और मैं ऑफिस में भी ऐसी चैलेंजेस फेस करती हूँ ना, मेरे कहीं ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे किसी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं सिर्फ बालाजी को बोलती हूँ मन में बैठ के वहीं उसी टाइम, और वो खुद से खुद सॉल्व हो जाती है, पता भी नहीं चलता। अभी क्या मुझे यहाँ आना था आज, गुरुदेव ने बोला था मिलने के लिए, तो मतलब प्लान नहीं था आने का, सडनली मैंने अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई किया। तो मुझे जब भी मैं यहाँ धाम पे आती हूँ, वैसे तो मुझे कहीं के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन जब भी मैं धाम पे आती हूँ अचानक से, मैं जब बोलती हूँ वहाँ पे, इन्फॉर्म करती हूँ मैनेजर्स को, तो मुझे इजीली छुट्टी मिल जाती है, कोई कभी आज तक मना नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि प्याज लहसुन तो मतलब गुरुदेव ने हम लोगों को, मैं पीजी में रहती हूँ, मुझे आज्ञा दी हुई है गुरुदेव ने कि खा सकते हैं, क्योंकि पीजी में मोस्टली क्या खाना लहसुन प्याज का बनता है। मैं गुड़गांव में रहती हूँ तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी खाने को लेकर, फिर मैंने मतलब 8-9 months तो किया कंटिन्यू, बट कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं खाना खाते हैं, अब मैं फैमिली से अलग रहती हूँ तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने गुरुदेव से पूछा जब गुरु दीक्षा ली थी, तो गुरुदेव ने बोला आज्ञा है, लेकिन उसके अलावा ये नहीं कि आप मतलब नॉनवेज खा रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो, कुछ गलत खा रहे हो, वो चीज़ नहीं है। सिर्फ आप लहसुन प्याज की आपको परमिशन मिली है, वो भी मजबूरी है आपकी, लेकिन हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है और राधा रानी, तो हमारे घर में तो बचपन से लहसुन प्याज का खाना बनता ही नहीं है, तो हम लोगों को आदत है, लेकिन बाहर प्रॉब्लम थी इसलिए सिर्फ करना पड़ा। बाकी गुरु दीक्षा लेने के लिए ऐसा गुरुदेव ने कोई बहुत कठिन नियम नहीं बताए हुए हैं कि आपको सारे दिन माला जाप करनी है या 1-2 घंटे का ही पूजन करना है, वो आपकी श्रद्धा है। आप चलते घूमते फिरते, ऑफिस में बैठे हुए, पढ़ाई करते हुए, खाना बनाते, कुछ भी काम कर रहे हो आप, आपका गुरु मंत्र सिर्फ आप जपते रहो, वही आपकी माला है, वही आपका मंत्र है। आप पूरा दिन उसको जाप करते रहोगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में 1-2 घंटे आपको बैठना ही बैठना है। वो तो ये है कि अगर आपको टाइम मिल रहा है, आप टाइम दे सकते हो, प्रॉपर पूजा कर सकते हो भगवान के सामने आसन लगा के, तो आप माला करो कंटिन्यू, और उससे और भी ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, बालाजी मतलब किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी के सामने ऐसा होता है ना कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बता रहे हैं कि हम इस चीज़ से परेशान हैं, सिर्फ बालाजी के सामने बैठ के बोलने से ही वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। मेरा तो ये अनुभव खुद का है, और मैं ऑफिस में भी ऐसी चैलेंजेस फेस करती हूँ ना, मेरे कहीं ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे किसी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं सिर्फ बालाजी को बोलती हूँ मन में बैठ के वहीं उसी टाइम, और वो खुद से खुद सॉल्व हो जाती है, पता भी नहीं चलता। फिर मैं मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस हैं डेली के ही, हर दिन मुझे नया नया चैलेंज मिलता है, बट फिर भी वो रिजॉल्व हो जाते हैं इजीली, पता भी नहीं चलता। जैसे अभी हाल फिलहाल कुछ, जैसे अभी क्या मुझे यहाँ आना था आज, गुरुदेव ने बोला था मिलने के लिए हमें, तो जो भी गुरु दीक्षित हैं उन सबको बुलाया था, तो मतलब प्लान नहीं था आने का, सडनली मैंने अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई किया। तो मुझे जब भी मैं यहाँ धाम पे आती हूँ, वैसे तो मुझे कहीं के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन जब भी मैं धाम पे आती हूँ अचानक से, मैं जब बोलती हूँ वहाँ पे, इन्फॉर्म करती हूँ मैनेजर्स को, तो मुझे इजीली छुट्टी मिल जाती है, कोई कभी आज तक मना नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो है, जैसे आप बोलते होगी कि मैं वहाँ जा रही हूँ, तो जो मैनेजर हैं या जनरल मैनेजर व्हाटएवर जो भी टीम लीडर, तो वो मतलब कहते हैं ना कि बैड वाइब्स नहीं लेना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने उन लोगों को ऐसा कुछ है भी नहीं, वो लोग मानते भी नहीं, उनको कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में, वो नहीं जानते कुछ भी, उनको तो सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे सिर्फ पर्ची निकाली जाती है, उन लोगों को सिर्फ इतना पता है, वो भी वीडियो में देखते हैं वो, लेकिन उन लोगों को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब मैं बताती हूँ ना, और मेरे मतलब मेरे ऑफिस में मैं ही टीका लगाती हूँ और पूजा करती हूँ, बालाजी का इतना नाम लेती हूँ, तो मतलब मुझे सब अलग मानते हैं कि ये थोड़ा डिफरेंट है। हाँ मेरे ऑफिस ना दूसरे कॉलेज है, मेरे पीजी में भी सब मुझे बागेश्वर धाम वाली मतलब बहुत वैल्यू करते हैं, ऐसा लगता है उनको कि भगवान के बाद इन्हीं की होता है। अभी कल की मेरी ऑफिस में ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था, तो किसी को लड़के को कुछ बोल रहे थे वो मजाक में, तो वहाँ पे आके वो बोलते हैं कि शालिनी के टेबल पे ही मैं जाके कसम खाऊंगा, वहीं से सच पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। मतलब इतना उन लोगों को ये है कि ये भगवान को मानती है, बालाजी को मानती है, तो वहीं पर अगर हम कुछ बोलेंगे तो सच वहीं पर एक्सेप्ट होगा, ऐसा है। भगवान का मतलब सिर्फ बालाजी का एक नाम, यहाँ मैं आने से ही इतना मेरी रेस्पेक्ट होती है। पीजी में भी मुझे सब बागेश्वर धाम वाली लड़की बोलते हैं, मैं फेमस हूँ वहाँ पे भी। हाँ, तो मतलब चैलेंजेस, अगर मुझे कहीं पे प्रॉब्लम होती है रास्ते में भी, तो मैं कहती हूँ बालाजी इतनी देर होगी मुझे अभी तक घर जाने के लिए कन्विंस नहीं मिल रहा, या यहाँ आने के लिए कभी कभी हम, मैं 4 बजे निकलती हूँ, 6 बजे की ट्रेन होती है, 2 घंटे का गैप होता है, अगर 5 मिनट भी लेट हो जाएगा ट्रेन निकल जाएगी, लेकिन वो रास्ता फटाफट
फटाफट मैं पहुंच भी जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, आराम से आ भी जाती हूँ, सब मैनेज हो जाता है, पता नहीं चलता सब कैसे हो गया। जैसे भगवान से एसोसिएशन रखने पर करियर कितना, मतलब करियर में कितना ग्रोथ होता है या फिर क्या वाइब्स मिलती हैं या फिर क्या क्या ग्रुप? बहुत होता है, वो बताया नहीं जा सकता। हमें एप्रिसिएशन काफ़ी मिलते हैं और मुझे मेरा कस्टमर डीलिंग का काम है, मैं टोयोटा में हूँ, वहाँ पे मेरे कस्टमर भी मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरे स्टाफ भी बहुत तारीफ़ करते हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस वजह से। आप जैसे पोलाइट होंगी, कॉन्वर्सेशन अच्छा होगा, जाहिर सी बात है। नहीं नहीं नहीं, इसमें भगवान की क्या बात है, बालाजी की ही कृपा है, ये सब बालाजी ही करवाते हैं, उन्हीं की वजह से सब तारीफ करते हैं, बोलते हैं, और शायद गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है, गुरुदेव की ऐसी शिक्षा हमें दी हुई है, तो हम उसी रास्ते पे चलते हैं, तो मिलता है अप्रिसिएशन सभी से। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि जो मैंने गुरुदेव बनाए हैं बहुत अच्छे बनाए हैं, जीवन में मतलब सब कुछ मिल गया, यही गुरुदेव मिले, बस मन खुश हो जाता है गुरुदेव की आवाज़ सुन के, गुरुदेव को देख, कितना भी परेशान हो ना गुरुदेव को सुन लो, एक बार आवाज़ सुन लो, देख लो, सब ठीक हो जाता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी जॉब नहीं थी, मैंने गुरुदेव को बोला भी नहीं, सिर्फ गुरुदेव के दर्शन ही किए थे, रास्ते में जाने के लिए ही मुझे कॉल आ गया वहाँ से, और मैं वहाँ पर अभी भी कंटिन्यू हूँ और बहुत अच्छे से हूँ इस चीज़ के लिए, मतलब अभी आपको बालाजी की वजह से, यस यस, बालाजी की वजह से ही मुझे जॉब मिली है, वही मुझे यहाँ बुलाते हैं, मैं महीने में एक दो बार तो ज़रूर आती हूँ यहाँ पे, मेरी छुट्टी जिस चीज़ के लिए मतलब यहीं के लिए होती है, जब भी होती है, मैं और कहीं नहीं जाती, मैं सोचती हूँ किसी और तीर्थ पर जाने से अच्छा है, मतलब जहाँ पर हमारी आस्था है, श्रद्धा है, जिनको हम मानते हैं, उसी जगह जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। आपने कॉन्वर्सेशन में बताया कि आपको बागेश्वर धाम वाली लड़की बोलते हैं, जस्ट आपके जितने भी कॉलेग्स वगैरह हैं, तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होती हूँ, और मुझे कभी कभी जैसे मैं मतलब डर भी लगता है, तो मैं बोलती हूँ लगता है नहीं, मतलब जैसे कभी रात में हम कहीं निकलते हैं, कभी डर भी लगता है, तो मैं बोलती हूँ बालाजी देखो डर लग रहा, तुरंत मतलब कुछ नहीं होता, फिर आराम से रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं होती फिर। जैसे लास्ट में जो बागेश्वर धाम के जितने भी डिबोटीज हैं, उनको एज अ डिबोटी आप क्या बोलना चाहते हो? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आस्था बनाए रखो, कभी कभी होता है ना कि हम बहुत पूजा करते हैं और वो चीज़ नहीं होती, लेकिन वो हमारी परीक्षा होती है, और हम उसमें अगर ये छोड़ दें कि नहीं हम नहीं मान रहे, हमारा काम नहीं हो रहा, हम इतने दिन से जा रहे हैं, उस हर चीज़ का ना टाइम होता है, कोई बड़ी चीज़ होती है तो बालाजी मतलब भगवान उसको टाइम से ही देते हैं, जो हमारे लिए ठीक होता है तब उस चीज़ को हमें देते हैं, नहीं तो ये नहीं, लोग तो कुछ भी मांग लेते हैं भगवान से कि हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, लेकिन भगवान को पता होता तो है। तो तरफदारी मैम करना हो गया ना, अच्छी चीज़ मिल गई तो ठीक है उन भगवान की कृपा है, और नहीं मिली तो ठीक है वो उनकी इच्छा नहीं, नहीं हमें पता नहीं होता, हम कभी कभी ना गलत चीज़ की जिद करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें खुद फील होता है, रियलाइज़ करते हैं कि नहीं वो सही हुआ था, वो टाइम पे सिर्फ हम उस टाइम रोते हैं कि नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, जैसे सपोज़ कि किसी को शादी करनी होती है किसी लड़के लड़की से, लेकिन वो सही नहीं होते हैं, भगवान भी कहते हैं, मतलब फैमिली वाले भी मना करते हैं, नहीं रेडी होते, लेकिन हम ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं हमें शादी इसी से करनी है, कुछ टाइम बाद अलग हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि हाँ ठीक था वो डिसीज़न, जो भगवान ने किया वो बिल्कुल ठीक था, और जो मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, तो इसके लिए बालाजी को बहुत 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 धन्यवाद, गुरुदेव को भी धन्यवाद।